टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। इस टॉपिक को दो मिनट लगा के देखो, टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड का मतलब टाइम के साथ जो बी की वैल्यू क्या होती है, चेंज, बी चेंज हो रहा है समय के साथ। मतलब तुम इस क्वाइल को बिल्कुल हिला नहीं रहे, तुम मैग्नेटिक फील्ड को इंक्रीज या डिक्रीज कर रहे हो, तो इसमें करंट पैदा हो जाएगा। कितना करंट पैदा होगा, इमेजिन कर लो कि बी वेक्टर बोर्ड के अंदर है, मान लो एरिया वेक्टर भी क्वाइल का बोर्ड के अंदर है, तो फ्लक्स की वैल्यू क्या होगी, बी इंटू एरिया इंटू कॉस जीरो। और मान लो इस क्वाइल में नंबर ऑफ टर्न्स एन है, तो टोटल फ्लक्स कितना जनरेट होगा, एन इंटू बी इंटू ए। तो इसमें इंड्यूस ईएमएफ का मैग्नीट्यूड कितना पैदा होगा, डी बाई डी टी ऑफ क्या, एन बी ए। अब इस क्वेश्चन में क्या चीज़ चेंज हो रही है, एन तो चेंज हो नहीं रहा, एरिया तो चेंज हो नहीं रहा, क्या चीज़ चेंज हो रही है, बी चेंज हो रहा है। तो जिस न्यूमेरिकल में बी चेंज हो रहा है, फॉर्मूला तो यही रहेगा, बी अंदर रख लेना, एन और ए को बाहर निकाल लेना, आपको न्यूमेरिकल में डी वी बाई डी टी गिवन होगा, एन गिवन होगा, एरिया गिवन होगा, इंड्यूस ईएमएफ आ जाएगी। इसे बोलते हैं टाइम वेरिंग मैग्नेटिक फील्ड। अब मान लो जी इसकी वैल्यू तुम्हें क्वेश्चन में एन गिवन है 10, एरिया गिवन है 10, डी वी बाई डी टी गिवन है 10, 10 इंटू 10 इंटू 10 1000 वोल्ट आंसर आ गया। अब अगला क्वेश्चन जब आप घर जाके सोचेंगे कि ये इसमें क्या जनरेट हुई, 1000 वोल्ट की ईएमएफ जनरेट हुई। फिर आप ये सोचेंगे कि ईएमएफ का मतलब होता है पोटेंशियल का डिफरेंस, और ये इलेक्ट्रिसिटी में सिखाया गया कि पोटेंशियल का डिफरेंस का मतलब कि कम से कम दो पॉइंट चाहिए जिनके बीच में ये पोटेंशियल डिफरेंस डेवलप हुआ। रिंग में मेरे को कौन से दो पॉइंट दिख रहे हैं जिसमें 1000 वोल्ट डेवलप हुआ, वो तो किसी ने बताया ही नहीं, बस ये बोल दिया रिंग में वोल्टेज डेवलप हो गई 1000 वोल्ट। जबकि आज तक जितने क्वेश्चन किए हमने मोशनल ईएमएफ के, उसमें रॉड ली थी, रॉड के एंड के अक्रॉस ईएमएफ डेवलप थी 1000 वोल्ट या बीएलवी। यहां पे तो दो पॉइंट दिख ही नहीं रहे, तो ईएमएफ कहां जनरेट हो रही है ये तो बताओ। तो आप इसको ऐसे मन में सोचेंगे जस्ट अपने आप को आंसर देने के लिए कि इमेजिन करो कि यहां पर इस लूप में एन नंबर ऑफ बैटरीज हैं और हर बैटरी की ईएमएफ डीई 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 है, सच दैट टोटल ईएमएफ जब ऐड करेंगे सीरीज में आंसर 1000 वोल्ट आएगा। ऐसे इमेजिन करना है, आपसे दो पॉइंट देखे भी नहीं जाएंगे और है भी नहीं, है ही नहीं दो पॉइंट ऐसे। तो आपने इसको एक्सप्लेनेशन तो देनी है कि दो पॉइंट कौन से होंगे, वो दिखेंगे तो है नहीं, तो आप मन में ऐसे सोचेंगे। और इसके अंदर अगर आप मैग्नेटिक फील्ड को बोर्ड के अंदर बढ़ा रहे हैं, इंक्रीज कर रहे हैं, तो पूछेगा करंट कैसे पैदा होगा। तो याद करो लेंज लॉ सिखाया था, अगर आपका बी बोर्ड के अंदर बढ़ रहा है तो ये क्वाइल कहेगा अच्छा ठीक है मेरा बी अंदर बढ़ रहा है, मैं बढ़ने नहीं दूंगा। तो मैंने कहा तू क्या करेगा, कहता मैं बी अपना बाहर कर लूंगा। तो मैंने कहा उसके लिए क्या करेगा, कहता करंट को एंटी क्लॉकवाइज घुमा दूंगा। तो करंट कैसे घूमेगा, एंटी क्लॉकवाइज, अगर बी अंदर की तरफ बढ़ रहा है। अगर तुम बी अंदर की तरफ बढ़ाओगे तो ये अपना बी बाहर कर लेगा, तुम्हारे बी को कैंसिल करेगा, करंट एंटी क्लॉकवाइज। लेकिन अगर तुम बी अंदर घटाओगे तो कहेगा अच्छा मेरा बी घट रहा है तो अपना बी भी कैसे कर लेगा अंदर, तो फिर करंट कैसे घुमाएगा, क्लॉकवाइज। ये तुम्हें सोच रहे लेंज लॉ से कि करंट क्लॉकवाइज होगा या एंटी क्लॉकवाइज होगा। तो आइडिया समझ में आ रहा है यहां तक, ठीक।